भाजपा के मंत्री की बेटी की वजह से मुश्किल में फंसे मोदी और योगी, चुनाव आयोग ने लिया बड़ा एक्शन, मचा बवाल। जी हाँ, आपको बता चले कि बुलंदशहर में राज्य मंत्री अनिल शर्मा के बेटे कुश शर्मा वोटरों को लुभाने के लिए नोट बांटते हुए नजर आए। उन्होंने अपनी कार में बैठकर गरीबों को 100-100 रुपए के नोट बांटे। उनके हाथ में 100 की गड्डी साफ साफ दिखाई दे रही है। राज्य मंत्री अनिल शर्मा के बेटे का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने कहा, उन्हें वायरल वीडियो की जानकारी नहीं है, ये विपक्षी दलों की साजिश है। मुझे मिल रहे समर्थन से विपक्ष पूरा घबरा गया है। वायरल वीडियो का निर्वाचन आयोग ने भी संज्ञान लिया है। नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी चंद प्रकाश सिंह ने कहा, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है, जांच का आदेश भी दिया गया है। नोटिस का जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बुलंदशहर की शिकारपुर विधानसभा सीट से भाजपा ने प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अनिल शर्मा को मैदान में उतारा है। वायरल हो रहे वीडियो में मंत्री के बेटे और भाजपा युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष कुश शर्मा वोटरों को लुभाने के लिए 100-100 रुपए के नोट बांटते हुए नजर आ रहे। ये नोट शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र में ही बांटे जा रहे। वीडियो सोमवार का बताया जा रहा है। कुश शर्मा चुनाव प्रचार करने निकले थे, इस दौरान वो सड़क पर मौजूद लोगों को 100-100 रुपए के नोट बांटते हुए कैमरे में कैद हो गए। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।